ये कई तरह के आदेश कई तरह की फरमाइश हमारा देने को था ना भाई राम काट का जो कोना ला गया पर प्रधान जी का जय साहिब लवा रंग काट की चॉइस है तो ये हमारी बात किस टाइम की रहेगी सजना कि जिस टाइम कौन का लड़का फूल सिंह मुल्तान शहर में पहुंच जाता है अब जाकर सुरोपंथी के जना ने बाग में बाग की मालों से संपर्क किया कहा कि मालन में एक परदेशी हूं और एक रात काटने के लिए तेरे बाग में थोड़ी जगह दे दी मना कर देती है कि परदेशी ये बाग जनाना है यहां पर कोई मर्जी प्रवेश नहीं कर सकता जब परदेशी ने मालन की आवाज सुनी लोकल लगा रही मालन झूठ मत ना बोल रहे क्यों क्योंकि आपके बाग में तो अनगिनत मर्द हैं मेरे बाग में मर्द मिला जी बिल्कुल अब वो परदेशी फूल सिंह उस मालन को उसके बाग के मर्द गिनाता उसको समझाता है तो कैसे किस तरह क्या कहता है और कहता है Oh,
हमारे आदेश हमारे साथी मेरे परम मित्र भाई कुलदीप पवार साहब प्रधान जी शोर पे सम्मान सम्मान करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद वाह दादा भाई दादा जीता के नाम से एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई ये इस रागनी को जितेंद्र पडाणा जी बहुत अच्छा गाते हैं और भाई रंग कार्ड की कोई बात नहीं इनसे सीखने की कोशिश करेंगे वो जब सरदार साहब सिंह की शादी उस सौमती के साथ हो जाती है और जब वो सौमती ने लेन आया राजपूत बना के बटे वाला भेष चलता है और गांव का गोरा ही आया और सौमती की सखिया ने देखा बाजी गई बोला बाण सौमती ए बाण सौमती बोला के बोला वो सरदार आ रहा सरदार आ गया जच्ची को ले इन हाथों ले श्रृंगार कर ले सौमती का जच्ची को ना बुलाए किस साक्ष है वो सौमती की सखियां सौमती को बताती है सरदार चाप सिंह के बारे में किसा है कैसा नए नक्षक है कवि ने क्या लिखा क्या बताया यो भाई सकर से परमात्मा का तू कंडक्टर को ला जाना ग्यारह ग्यारह सौ रुपये देवो रे परमात्मा से अरदास अब तू आगे जाना है चक्कर बनाए इंस्पेक्टर बनाए सौ रुपये से मान सम्मान करते हैं ये गाड़िया बजानिया भी बामनाए जिसे हो हैं इनकी बाणी भी पार जा है दल की गहराइयों से धन्यवाद आए बेबे की साक्ष है आए छह फुट लंबा ऊंच नीच की जान मारा पहली कली में क्या लिखा क्या बता Yeah.
बड़े सरपंच साहब हमारे बड़े भाई साहब जिनके आशीर्वाद से आज इतने महान मूर्तियों के दर्शन हुए हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं शौर्य से आशीर्वाद देते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद जी धन्यवाद अशोक जिस समय वो लड़का नौरतन उस लड़की नौरतन से बिछड़ गया था साधु के पास गया मिला नौरतन पहले जैसा चेहरा नहीं मिला बाबा जी पहलम जैसा हो भी नहीं क्यों क्या कहता सुन हजारों रुपए पहले 300 रुपए तीनों भाइयों को मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद नंबर एक पर क्या लिखा है सुनिए भाई नरेश बजीना से वो भी गाओगा भाई और ये आदरणीय सरपंच साहब कुलदीप जी हजारों रुपए पहले 100 रुपए से और आशीर्वाद देते हैं बार बार Oh, yeah.
भाई हो जाए अगले तीनों कलाकार आदरणीय हैं सिर मत्थे हैं इसमें एक बदन मैं भी कह दूं बात उस समय की जिस समय में रंधा हीर की वियोग में चलता चलता प्यास लगी हुई थी कुएं के पास पहुंचा वहां चार पणिहारी लेकिन पणिहारी जो थी वो कोई साधारण नहीं थी माया भी पणिहारी थी रांझे का सब अजमाने के लिए कहती है कि तू कौन है वो रंधा उन पणिहारियों को एक बात के द्वारा क्या कहता है भाई 200 रुपए से मानसान करते भाई देवर साहिब
बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे मित्र भाई कुंडी कंवर साहब भानगढ़ सरपंच साहब सौ रुपए से मान सम्मान करते हैं भाई साहब का बार बार धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर महावीर जी 101 में शेर मान सम्मान करते हैं भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद I'm not
साहब थानेदार जी बहुत प्रणाम देते हैं ये साथ मेरे गुरु जी के मित्र मिलेंगे स्वर्गीय श्री सुरेश कुमार गुजारिया जी के सर पे से और अपने बेटे को आशीर्वाद देते हैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद और ये डॉक्टर महावीर तवर जी सर पे से आशीर्वाद देते हैं तवर साहब का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं धन्यवाद हमने किया है जीवन में अपना सारा सनम के ऊपर कड़ बैठाए गांव पराना देश पराना क्या एक भी तो नहीं लाच जन्ना पानी भरना दौर ने पटे पटे रे पटे पगड़ी का के मोलन पटे पटे का के आवे चिनी चढ़ाई भी चिनी चढ़ाई भी चके अपने बिरे पापा जी चीनी चनाई भी चांद से कब पड़े गिरे ओरे मन्यारी रह गिरे पापा मेरी गिले साल के तू केले रही है इसे इसे मैं ला के बला ठाट करवा दूं छोड़ रहा हूं क्या बता दूसरी गले मला बहुत अच्छे Oh,
में मान सम्मान करते हैं थानेदार साहब सोरपे से डॉक्टर महावीर सिंह जी और 50 रुपए से और भी मान सम्मान सदस्यों भाइयों ने किया सभी का बार बार धन्यवाद धन्यवाद प्रताप थानेदार साहब बहुत मान सम्मान पहले किया कलाकारों का 100 रुपए से और हौसला अफजाई करते हैं ग्रोवा साहब को बहुत धन्यवाद एक भाई ने और 100 रुपए से मान सम्मान किया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद
जाता है जी ने बोले रत्रा ब्याह हो गया था कि हाँ राजा धर्म सिंह उनकी लड़की जिसका नाम था रतन को रतन कुमार नौ रतन कुमार जब राजा धर्म सिंह की एक इच्छा थी लड़का भी नौ रतन कुमार नाम का मिले तो उनकी शादी कर दी गई नवल्या मैं एक दिन चला गया था मेरी ये ड्यूटी थी पानी भरना एक दिन चीन के कुएं पर चला गया वहां पर राजा धर्म सिंह के वे सिपाही मुझे पकड़ कर ले जाते क्या कहता है सुनिए पहले 100 रुपए शोर मान सम्मान किया बार बार धन्यवाद देखियो इस कली में कुछ सीखने का प्रयास किया था मन बताए थे मासे जी आओ तो क्या मुझे खाएंगे Ah, no!
سرکاری چھٹی رس گلا جلیبی جمڑے بیڑے کی مٹھائی چھٹی دہی بڑے پکوڑی پکوڑے بھجیا دال کٹائی چھٹی دہی پکوڑے بھجیا پکوڑے ♪
ڈرائیور صاحب راجیش ڈرائیور ہو گیا تیرے تو ڈرائیور کا تھپا تھپا لگ گیا تھا یار 100 روپے سے مان سمان کرتے ہیں بار بار دھنیواد ہے دھنیواد سامان پہلے آج لان دیا جی لیٹ آیا ہے 50 روپے دیتے بار بار دھنیواد سوتھی کلیمہ رام جی کو موہنی ملی نولی پاپا تو میری گلی چالی نولا اچھا کیا کہتا رام سوتھی Thank you.
नेक्स्ट लाइन भी बड़ी बोल रही भूख प्यास में तंगा हो गया ये खुद क्या तंगा छोल रही भूख प्यास में कुला हो गया अरे